हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आपने 10th यानी 10वीं पास कर रखा है तो आप लोगों के लिए कृषि विभाग में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। और अच्छी बात ये, इसमें दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, ये संविदा के बेस पर भर्ती है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कब से कब तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, संपूर्ण जानकारी देंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी भर्ती से रिलेटेड और भी वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जब भी कोई ऐसी संविदा के बेस पर भर्ती आती है तो उसकी नोटिफिकेशन हम आपको सबसे पहले इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कृषि विभाग संविदा भर्ती 2024 जारी। ये दोस्तों कृषि विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। विभाग आप यहाँ पर देख सकते हैं, कृषि विभाग पद आप यहाँ पर देखिए कौन से पोस्ट पर ही वैकेंसी है। आपको हम आपको फॉर्म फिलअप करके भी दिखाएंगे। आपके मन में ये डाउट होता है ये वैकेंसी सही है या गलत है, तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है वो भी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए लैब अटेंडेंट की यह वैकेंसी है। योग्यता आपने सिंपल 10वीं पास कर रखा है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फिलअप ऑल इंडिया के कैंडिडेट महिला एंड पुरुष भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये यहाँ पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकली हुई, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी। लेकिन दोस्तों, इसमें फॉर्म ऑल इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो भी वैकेंसी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी चैनल यानी हमारे टेलीग्राम चैनल सौरभ कश्यप इन्फॉर्म, इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। इस पर हम आपको PDF देते रहते हैं। इसकी फॉर्म फीस जनरल OBC EWS की यहाँ पर 00 रुपये, अगर आप SC ST हैं तो आपकी यहाँ पर 0 रुपये फीस रहने वाली है, यानी आपकी कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। तो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करना है। किस तरीके से भरना है वो इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में अप्लाई करके भी दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, उम्र सीमा 21 से 60 साल। एज में दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एज 21 से 60 साल मांगी गई है, तो हर कोई इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन का प्रोसेस नो एग्जाम सीधी भर्ती, मेरिट प्लस इंटरव्यू से चयन, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। जॉब प्रोफाइल दोस्तों उत्तर प्रदेश की, आपको इन डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब करनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। तो देखिए दोस्तों, हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चल के दिखाते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जो संविदा के बेस पर वैकेंसियां निकलती हैं उनका फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये ओपन कर लेने के बाद इसके सर्च बार में आपको लिखना है सेवा आयोजन। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको सेवा आयोजन लिख कर सर्च कर देना है। अब दोस्तों, आपके सामने जो फर्स्ट नंबर पर लिंक दिखेगी, देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार संगम, आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर आपको क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप रोजगार संगम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको इस एड को यहाँ से हटा देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको हटा देने के बाद आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं नौकरी तलाश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहीं पर देखिएगा इंग्लिश में जॉब सीकर, आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए हम दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेट चल रहा है, स्लो है थोड़ा, इस तरीके से आपके सामने कुछ नया इंटरफेस शो होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप रोजगार संगम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आपने इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो दोस्तों आपको अपनी यूजर आईडी यहाँ पर डालनी है और पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद और ये कैप्चा कोड डालना है और आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अगर दोस्तों आपने इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए जॉब सीकर साइन अप, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। तो चलिए हम दोस्तों आपको इस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी बेसिक सी डिटेल को यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड नंबर, जन्म तिथि, ये सारी डिटेल को आपको यहाँ पर भरना है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का ये ऑप्शन दिखेगा और आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है सारी डिटेल भरने के बाद। तो चलिए, हमने दोस्तों इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं कि इसमें किस तरीके से आपको लॉगिन करना है और फॉर्म को किस तरीके से आपको भरना है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल है, आप कर लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालकर सबमिट करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के सबमिट करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। अब दोस्तों आप वीडियो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से कोई भी संविदा भर्ती यहाँ पर जो भी निकलेगी, इसी तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे 10th लेवल की हो, चाहे 12th लेवल की हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो। बस सिंपल एक क्लिक में आप अपना इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ये सारी डिटेल को आपको भरना होगा। व्यक्तिगत संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा, अनुभव, कौशल, वरीयता, घोषणा, ये सारी जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे हमने यहाँ पर कर रखी है। अब दोस्तों नौकरी में आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने दिख रहा होगा नौकरियों के लिए आवेदन करें, आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस होगा। अब दोस्तों आप वीडियो ध्यान से देखिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। सबका प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फिल्टर करना है, जैसे 12th लेवल की वैकेंसी में फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट आपको इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको खोजें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो जो भी ट्वेल्थ लेवल की वैकेंसियाँ होंगी वो सारी वैकेंसी यहाँ पर शो कर देंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें अब तक आवेदनों की संख्या 1935 अब तक आवेदन हो चुके हैं। अब इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें हाई स्कूल और इंटेल ग्रेजुएशन सभी का बिल्कुल सेम है। आपको आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर रिक्त विवरण वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिस भर्ती में आप फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है आवेदन करें, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन साइप सक्सेसफुली, तो समझो आपको ओके कर देना है, आपका आवेदन हो गया। अब दोस्तों इसमें 10th लेवल में अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको नौकरियों के लिए आवेदन करें, आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको शैक्षिक योग्यता में 10th सेलेक्ट करना है और खोजें कर देना है। तो जो भी वैकेंसियाँ यहाँ पर 10th लेवल की दिखेंगी, जैसे यहाँ पर इंटर की दिखी, उसी तरीके से 10th लेवल की भी वैकेंसी आएंगी। तो चलिए हम आपको एक 10th लेवल की वैकेंसी में भी फॉर्म फिलअप करके दिखा देते हैं, क्योंकि सभी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से सभी वैकेंसी में फॉर्म को आपको भरना है। अब यहाँ पर शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाई स्कूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको खोजें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप खोजें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैकेंसियाँ दिख जाएंगी। अब आप जिसमें भी फॉर्म आवेदन करना चाहें, बस आपको क्या करना है, आवेदन करें, या तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर आवेदन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आवेदन हो जाएगा। सिंपल एक क्लिक में आपका आवेदन हो जाएगा। सभी संविदा भर्ती में जो भी फॉर्म डालना है, इसी तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। एक बार आपको अपनी प्रोफाइल को पूर्ण करना है और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको 12th लेवल की और 10th लेवल की सभी वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा दिया है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, बस आपको ओके कर देना है। तो इसी तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी लास्ट डेट इसकी 24 जुलाई है। 24 जुलाई तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो 12,000 से आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी और आपकी 20,000 रुपये तक सैलरी रहेगी दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर से ज़रूर आपको फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।